भाई यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो मीशो है ना, उसका जो रिफंड है वो आपकी एक गलती के कारण नहीं आ पाता है, और ये पैसे फिर आ भी नहीं पाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पैसे रिफंड मिल ही नहीं पाते हैं, और अमाउंट शायद 200, 250 रुपये, 300 रुपये होता है, क्योंकि उससे महंगा प्रोडक्ट मीशो पर देखने को बहुत कम मिलता है। इसीलिए कुछ लोग उन्हें पैसे को भूल भी जाते हैं और वो बहुत परेशान होते हैं यार। दिन भर कस्टमर केयर पर फ़ोन लगाएंगे, या जो मीशो का जो वीडियो बनाता है, जैसे मैं बनाता हूँ, तो बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करेंगे। मतलब वो कई तरह से चीज़ों को आजमाते हैं लेकिन रिफंड नहीं मिल पाता है, और वो गलतियाँ आपकी वजह से हो सकता है। और वो कौन सी गलती है जिसके कारण आपका जो रिफंड है मीशो का वो नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, प्लस इसका सलूशन भी बताऊंगा। सलूशन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि आपको पता नहीं है इसलिए अभी तक रिफंड आपका लटका हुआ है। तो कैसे इसका रिफंड मिलेगा ये भी हम बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए शानदार कंटेंट आगे भी मिलता रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर 3 से 4 कारण हैं जिनके कारण आपका जो रिफंड है मीशो का वो नहीं आ पाता भाई आपके बैंक अकाउंट पर, ठीक है ना। वो कौन कौन से हो सकते हैं ये भी हम बात करेंगे, कंप्लीट बात करेंगे, फुल ट्यूटोरियल हो सकता है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो ना भाई तो देख लेना, इन्फॉर्मेशन वीडियो है, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा अगर आप लोग मीशो से शॉपिंग करते हैं तो, ठीक है। तो भाई जब ऑर्डर को आप रिटर्न करते हो ना, तो एक तो आप इमेज जो होती है, फ़ोटोज़ आप क्लिप ऐड करते हो, ठीक है ना, रिफंड करते समय, और एक ऑप्शन होता है लिखने का आपका रीज़न, आप क्यों कैंसिल कर रहे हो। कुछ लोग लिख देते हैं आधार पर जाके कि यार मुझे बस ऐसे ही करना है। तो भाई आपको प्रॉपर आपको बताना है कि आपका जो ऑर्डर है वो क्यों आप लोग इसको रिटर्न कर रहे हो, क्या उसमें कोई टेक्निक, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है। तो उस पर प्रॉब्लम वाले ऑप्शन आते हैं रिटर्न करते समय, तो उनको सही चीज़ सेलेक्ट करें और अपना ओपिनियन अलग से दर्ज करें। उस पर एक ऑप्शन होता है एडिशनल, डब्बा सा होता है बॉक्स, उस पर लिखा जाता है कि आपको क्या है, ऑप्शनल होता है वो लिखने के लिए। तो आप अपने बारे में उस पर कंप्लीट बता दीजिए कि मैं इस कारण अपने ऑर्डर को जो किया हूँ उसको मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, ठीक है। इससे सेलर पढ़ेगा, तो सेलर को पढ़ने के बाद उसे कंप्लीट पता हो जाएगा कि जो आपका ऑर्डर है वो क्यों कैंसिल आप करना चाहते हो। दूसरा कारण क्या कि आप लोग ना रिटर्न करने के बाद बैंक अकाउंट को फिल करते हो। सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो, आप ये सबसे बड़ी गलती है, और ये एक नहीं सभी लोग करते हैं। देखते हैं कि भाई रिफंड हमारा बैंक पर आएगा, तो पहले रिटर्न कर देंगे, और इसके बाद जो बैंक का जो पैसा होता है ना वो बैंक पर क्लिक करते हो, बट सब कुछ नहीं हो पाता फिल, और इस कारण आपका जो रिफंड है वो नहीं आ पाता है। जैसे ही आप रिटर्न बटन पर क्लिक करते हो, सबमिट पे रिक्वेस्ट चली आती है सेलर को, सेलर पैसा तुरंत भेजता है, और जब वो भेजता है तो आपका बैंक इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं हो पाता पहले से, तो पैसा पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो आपको पहले बैंक इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, सही सही बैंक इन्फॉर्मेशन को फिल करें। और एक चीज़ और ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि मीशो किसी किसी बैंक पर पैसा रिफंड नहीं देता है, ओके, ये देखने को मिला है। तो एक बार रिफंड पॉलिसी मीशो का पढ़ लें कि कौन सा बैंक अकाउंट मीशो अपसेट करता है रिफंड के लिए, तो ये भी जान लेना ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो कि यार ये वाले बैंक पर पैसा आ जाएगा रिफंड। UPI नंबर भी मांगता है, लेकिन UPI में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो बैंक अकाउंट सही डाल रहे, बैंक अकाउंट नंबर, नाम, बैंक का नाम आपका क्या है, सब कुछ सही तरीके से फेल होगा तो पैसा तुरंत आ जाएगा आपका 2 से 3 दिनों के अंदर, ठीक है। देखो एक गलती और भी है जो सबसे बड़ी गलती मैं मान सकता हूँ, मेरे साथ भी हो चुकी है ये गलतियाँ, और आपको ये गलती नहीं करना है। देखो जैसे कि हम कोई टी शर्ट ऑर्डर करते हैं मीशो पर, अक्सर लोग यही करते हैं, टी शर्ट वगैरह हो गया, घड़ी वगैरह, बहुत लोएस्ट बजट का प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं मीशो से। अब यहाँ पर होता क्या है कि आपने ऑर्डर किया, उसे आपने यूज़ किया, उसे आपने काफ़ी दिन तक यूज़ किया, इसके बाद आप उसको जाकर रिटर्न कर रहे हो। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि सेलर देखता है कि आपको जो ऑर्डर है ये इस डेट को डिलीवरी हुआ, और आपने टी शर्ट अगर भेजा उसने, तो टी शर्ट आपने पहना, चेक किया, तो आपको पता तुरंत चल जाता है कि यार ये टी शर्ट मेरे फिट का है कि नहीं, मेरे साइज़ का है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, एक दिन में पता चल जाता है भाई, तुरंत पता चल जाता है, मैं बताऊँ तो सचमुच आपको। लेकिन आप हो तो 3 से 4 दिन पहनते हो, आप देखते हो कि भाई 7 दिन की रिप्लेसमेंट पॉलिसी है,
15 दिन की है, किसी किसी पर 30 दिन की रिप्लेसमेंट पॉलिसी है। तो आप यूज़ करे जा रहे हो लगातार, और सेलर को आप मूर्ख बना रहे हो। तो मूर्ख बनने के चक्कर में वो आपका ऑर्डर रिटर्न अप्रूव नहीं करता है और आपका रिफंड नहीं आ पाता है, वो फिर वो आपको मूर्ख बनाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जो भी ऑर्डर आता है पसंद नहीं होता है तो उसे एक दिन के अंदर ही 24 घंटे के अंदर उसको आप रिटर्न कर दो, तो रिटर्न अप्रूव तुरंत होगा और रिफंड भी बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये करना है, आपको चलाकी नहीं करना वरना फंसेगा पैसा। ठीक है, मीशो भी बहुत होशियार है, उनके सेलर भी होशियार है, वो ट्रिक वो जान चुके हैं लोगों की, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं। तो आई होप आज आपको क्लियरली पता चल चुका है। और आपका अगर रिफंड नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है, आप जाइए ट्विटर पर। ठीक है, वो सबसे बड़ा सलूशन है, आप ट्विटर पर जाइए और मीशो सपोर्ट टीम को, ये स्क्रीनशॉट है ट्विटर अकाउंट का हैंडल का मीशो का, इसको टैग कीजिए और पोस्ट कीजिए कि सर मेरा ऑर्डर नंबर ये है, स्क्रीनशॉट लगा देना पोस्ट पर कि इसका रिफंड अभी तक मेरे बैंक पर नहीं है, प्लीज़ हेल्प कीजिए मेरी। तो वहाँ से क्या है, प्रॉब्लम का जो सलूशन है बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि ट्विटर बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। ओके, तो वहाँ से सलूशन जल्दी मिल जाएगा और 100% मिल जाएगा, मैंने खुद भी किया है। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा मेरी बात को, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, वरना आप तो ऐसे ही वीडियो देखते रहोगे दिन भर, आपको रिफंड नहीं मिलने वाला। तो आप जाइए ट्विटर पर जाकर टैग करना और बहुत फ़ायदा मिलेगा वहाँ से, आपको आपका रिफंड भी मिल जाएगा आसानी से। सो आई हो भाई वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपके लिए ऐसे शानदार वीडियो आगे भी लाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।